यूट्यूब फैमिली, होप यू आर डूइंग गुड। आज हम बनाने वाले सबसे टेस्टी कोरियन रेमेन नूडल्स। आज मैं आपको वेज एंड नॉन वेज दोनों तरीके से बनाना बताऊंगी, और अगर आपको इस टेस्टी रेसिपी को जानना है तो वीडियो में आखिर तक बने रहिए। चिली ऑयल बनाने के लिए एक पैन में हम 2 बड़े चम्मच तेल ऐड करेंगे और उसे हाई फ्लेम पर गर्म होने रख देंगे। एक दूसरी कटोरी में मैंने 3 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स, 2 से 3 इंच का दालचीनी का टुकड़ा, 2 से 4 स्टार एनिस के पीसेस और 1/2 टेबलस्पून जितना पीसी हुई चीनी ली है। अब 1 टेबलस्पून मैंने इसमें सोया सॉस ले लेना है और सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसी बाउल में मैंने 1 टेबलस्पून गार्लिक ऑलरेडी ऐड किया है और 1 टेबलस्पून गार्लिक मैं ऑयल में ऐड कर लूँगी। जैसे ये गोल्डन ब्राउन हो जाए तो ये गरम ऑयल में इस मिक्सचर में ऐड कर रही हूँ। अब इसे एक क्विक स्टर दे दीजिए और इसे साइड में रख दीजिए। हमारा चिली ऑयल एकदम रेडी है। वेजिटेबल सूप के लिए हमें 1/2 कप कॉर्न, 1 कैरेट, कुछ ग्रीन बीन्स, स्प्रिंग ऑनियन का ऊपर का पार्ट, 10 से 12 काली मिर्चें और 1 पैकेट मशरूम का। अब एक तपेली में हमें 2 टेबलस्पून जितना ऑयल ऐड कर लेना है। अब सारी वेजिटेबल्स को इसमें डाल देंगे हम। अब इसमें हमें 1 टेबलस्पून जितना जिंजर गार्लिक पेस्ट और सॉल्ट ऐड करके इसे हाई फ्लेम पर अच्छे से पका लेना है। जैसे सब्जियां कलर चेंज कर देगी हम इसमें 4 ग्लास पानी ऐड कर देंगे। ये 1 ग्लास 250 ml का है। अब इसको ढककर हमें 10 से 15 मिनट तक पकाना है, जब तक वेजिटेबल्स अच्छे से पक ना जाए। अब हमें इसमें 4 पैकेट टेस्ट मेकर के ऐड करने हैं जो हमें रेमेन नूडल्स के साथ आए हैं। अब सारे वेजिटेबल्स को स्ट्रेन कर लीजिए। और इसमें से मशरूम्स, कैरेट और बीन्स और थोड़े से कॉर्न निकाल लेंगे हम थोड़े से गार्निश के लिए। बाकी के स्टॉक को हम स्ट्रेन कर लेंगे। अब इन वेजिटेबल को हमें स्मैशर या चम्मच की हेल्प से अच्छे से स्मैश कर देना है और उसका पल्प हमें स्टॉक में ऐड करना है। अब एक पैन में हम 1 टेबलस्पून जितना ऑयल ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून जितना गार्लिक ऐड करके इसे अच्छे से सॉटे कर लेंगे और जो वेजिटेबल्स हमने स्टॉक से निकाली थी इसमें ऐड कर देंगे और स्टर फ्राई कर लेंगे गार्लिक के साथ, ताकि अच्छा फ्लेवर आए। अब सीजनिंग्स ऐड कर देंगे इसमें, थोड़े से ब्लैक पेपर और सॉल्ट ऐड कर देंगे। हमें इन वेजिटेबल्स को ज़्यादा नहीं पकाना है, हल्का सा स्टर करना है और दूसरे एक प्लेट या बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब एक टोप में हमें पानी ऐड करना है, 1 टीस्पून जितना ऑयल ऐड कर देंगे और इंस्टेंट नूडल्स हम इसमें ऐड कर देंगे 4 पैकेट्स। अब इसमें ऑयल इसीलिए ऐड किया है ताकि इंस्टेंट नूडल्स जो स्टिकी होते हैं वो इशू नहीं आएगा आपको। अब जैसे एक बॉईल आ जाए तो हमें इस नूडल्स को निकाल लेंगे हम, पानी सारा स्ट्रेन कर लेंगे। इसमें 2 से 4 ग्लास पानी डाल के इसे अच्छे से वॉश कर लेंगे ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस रुक जाए। तो यहाँ हमारा वेज रेमेन का तो रेडी हो गया है, तो इसे असेंबल करते हैं। तो हमने जो चिली ऑयल बनाया था वो हम इसमें 2 टेबलस्पून जितना ऐड करेंगे। इसमें अब वेजिटेबल स्टॉक ऐड कर देंगे और थोड़े से हमने जो बॉयल किए हुए नूडल्स हैं वो इसमें ऐड कर देंगे। आपको जितना चाहिए आप उतना ऐड कर सकते हो, आपके प्रेफरेंस से। मनचाही सारी वेजेस इसमें ऐड करिए।
यहाँ पर मैंने थोड़े से चेरी टमाटो, स्प्रिंग अनियंस और ऊपर से थोड़ा सा तेल ऐड कर लिया है। यहाँ हमारा कोरियन वेज रेमन नूडल्स एकदम रेडी है और कितना डिलीशियस लग रहे हैं ना। तो अब चिकन का बनाने के लिए हमें 1 किलो बोनलेस चिकन लेना है, उसमें 1 टेबलस्पून सॉल्ट और 2 टेबलस्पून जितने धनिया को काट कर डालना है, 1 टेबलस्पून गार्लिक, 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स और 1/2 टेबलस्पून जितना पेपर पाउडर ऐड करेंगे। 1 मैगी क्यूब ऐड कर देंगे, 1 स्लाइस किया हुआ छोटा अनियन। अब इन सबको मुझे मिक्सी में ऐड कर देना है और इसको अच्छे से पीस लेंगे हम। अब इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इससे हम सलामी बनाएंगे। तो सलामी के लिए एक क्लिंग फिल्म पे हम थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे और इसमें से थोड़ा सा मिक्सचर ले लेंगे और उसे अच्छे से रोल करेंगे। एक सिलेंडर शेप में हमें इसे रोल करना है। अब इसे रोल करते हुए क्लिंग फिल्म में इसे रैप करते जाएंगे। इसे बंद करते हुए हमें ये ध्यान रखना है कि इसका शेप, अब इसके साइड्स को अच्छे से लॉक कर देंगे। एक टोप में हमने पानी लिया है, जैसे पानी हल्का बॉयल होना स्टार्ट हो जाए हम उसमें ये सलामी का रोल ऐड कर लेंगे और इसे ढक कर 15 मिनट तक पकाएंगे। अब चिकन जैसे पक जाए हम इसे निकाल लेंगे और 1 घंटे के लिए फ्रिज में रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। जो चिकन का मिक्सचर बचा था उसके मैंने चिकन बॉल्स बना लिए हैं और इसको मैं एक एक करके पानी में ऐड कर लूँगी और ढक कर 10 मिनट तक पकाऊँगी। चिकन के बॉल्स को हम स्ट्रेन करके निकाल लेंगे और जिस पानी में हमने इस बॉल को बॉईल किया था वो पानी को हमें फेंकना नहीं है, उसे अलग कंटेनर में निकाल लेंगे। यहाँ हमारी सलामी सेट हो गई है तो हम इसे निकाल के पतले पतले स्लाइसेस में कट कर लेंगे। आपको जिस तरह इसको कट करना है आप उस तरह कट कर सकते हो। अब पैन में हल्का सा ऑयल ऐड करके हमें सलामी को हल्का हल्का दोनों तरफ से सेक लेना है। मैंने एक अंडे को बॉईल कर लिया था, अब उसको भी हाफ कट करके मैं हल्का हल्का सेक लूंगी और जो मीट बॉल्स हमने बॉईल किए थे उनको भी हम हल्का हल्का सेक लेंगे। अब मीट बॉल को हम ट्रांसफ़र कर लेंगे एक बाउल में। यहाँ हमारे मीट बॉल्स एकदम रेडी हो गए। अब मीट बॉल बॉईल किए हुए पानी को हमें वेजिटेबल स्टॉक में ऐड करके एक बॉईल देना है और उसे भी इसमें ऐड कर लेंगे। अब बॉईल नूडल्स इसमें ऐड कर लेंगे और बॉईल एग, सलामी और मीट बॉल से इसे गार्निश करेंगे। आप चाहे तो इसमें वेजिस भी ऐड कर सकते हो अगर आपको अच्छा लगता है तो। और इस रेसिपी को ज़रूर बनाना, आप एक बार बनाओगे तो आपके घर वाले इसे बार बार बनाने के कहेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और आपके ओपिनियंस हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो टेक केयर, बाय बाय।